नमस्कार। कन्नौज जनपद से गुरसाईगंज से जयपुर जा रही स्लीपर बस जीटी रोड पर ट्रक से भिड़ गई। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक का डीजल टैंक फट गया, जिससे ट्रक और बस दोनों में ही आग लग गई। स्लीपर बस में फंसे यात्रियों को निकालने तक का मौका नहीं मिला। हादसे में 10 से ज़्यादा यात्रियों के जिंदा जलने की आशंका है। हमारे सहयोगी अमित सिंह के मुताबिक 22 यात्री जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए। अमित ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 8 बजे विमल चतुर्वेदी बस सर्विस की स्लीपर बस कन्नौज के गुरसाईगंज से जयपुर के लिए चली थी। बस में कुल यात्रियों की संख्या लगभग 35 बताई जा रही है। इसमें कुछ यात्री बालाजी दर्शन करने तो कुछ रोजगार की तलाश में जयपुर जा रहे थे। हालांकि बस में कितने यात्री सवार थे इसकी किसी ने आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दी है। गुरसाईगंज से बस अभी 26 किलोमीटर चल पाई थी कि छिबराओं के 5 किमी आगे जीटी रोड पर ग्राम घिलोई के पास कोहरे की वजह से एक भयानक हादसा हो गया। भिड़ंत के बाद पहले डीजल टैंक फटने से आग लग गई, जिसको बस ने चपेट में ले लिया। थोड़ी देर में बस आग का गोला बन गई। हादसा इतना भयानक था कि स्लीपर बस में फंसे यात्रियों को निकलने का मौका तक नहीं मिल सका। किसी तरह लगभग एक दर्जन सवारियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे के बाद जीटी रोड पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।